हेलो फ्रेंड्स, सी प्लस प्लस लैंग्वेज की सीरीज में आज हम देखने वाले हैं लेक्चर 3 का पार्ट 1। आज का हमारा टॉपिक है इनपुट आउटपुट इन सी प्लस प्लस। आज का हमारा ऑब्जेक्टिव है आउटपुट इंस्ट्रक्शन, इनपुट इंस्ट्रक्शन, iostream.h फाइल, एक सैम्पल प्रोग्राम। सबसे पहले हम देखते हैं आउटपुट इंस्ट्रक्शन। ज़्यादातर लोगों ने C++ लैंग्वेज से पहले C लैंग्वेज पढ़ी होती है। अगर आपने भी C लैंग्वेज पहले पढ़ी है तो आप स्क्रीन पे कुछ प्रिंट कराने के लिए printf फंक्शन से फैमिलियर होंगे। C और C++ लैंग्वेज में बाय डिफ़ॉल्ट स्टैंडर्ड इनपुट डिवाइस कीबोर्ड को माना जाता है और स्टैंडर्ड आउटपुट डिवाइस मॉनिटर को माना जाता है। तो printf वो फंक्शन है जिसकी मदद से स्क्रीन पे, मॉनिटर पे कुछ मैसेज हम प्रिंट करा सकते हैं। तो printf एक प्री डिफाइंड फंक्शन है। हम चाहें तो C++ लैंग्वेज में इस फंक्शन को भी यूज़ कर सकते हैं जैसे C में यूज़ करते थे, क्योंकि C++ लैंग्वेज में वो सब कुछ चलेगा जो C लैंग्वेज में चलता था। तो printf क्या है? printf एक प्री डिफाइंड फंक्शन, पर C++ लैंग्वेज आपको printf से भी बेहतर एक तरीका देती है जिससे कि आप स्क्रीन पे कोई मैसेज प्रिंट करा सकें, और वो तरीका है सी आउट। कई लोगों को ये गलतफहमी होती है या मिस इंटरप्रिटेशन होता है, वो सोचते हैं कि सी आउट एक फंक्शन है। सी आउट कोई फंक्शन नहीं है। टेक्निकली क्या है, तो सी आउट एक ऑब्जेक्ट है। फंक्शन के आगे आप देखिए पैरेंथेसिस उसकी पहचान होते हैं, जैसे printf के आगे पैरेंथेसिस लगे हुए हैं, सी आउट के आगे नहीं लगे, जिसका मतलब है वो फंक्शन तो कतई नहीं है। तो सी आउट क्या है? एक ऑब्जेक्ट है। हम बोलेंगे सी आउट एक प्री डिफाइंड ऑब्जेक्ट, यानी हम अपने प्रोग्राम में सी आउट को ऐसे इस्तेमाल करेंगे जैसे ये पहले से बना हुआ है। सी आउट के साथ आपको एक ऑपरेटर भी यूज करना होता है जिसको हम बोलते हैं इंसर्शन ऑपरेटर या पुट टू ऑपरेटर। बेसिकली सी आउट का काम इस ऑपरेटर की मदद से किसी मैसेज को आउटपुट स्ट्रीम में इंसर्ट करना होता है। आइए और बेहतर तरीके से समझने के लिए हम इसको लिखना सीखते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि यदि हम सिंपल सा कोई मैसेज प्रिंट करना चाहते हैं लाइक हेलो SCA, तो ये प्रिंट करने के लिए मुझे क्या लिखना पड़ेगा। तो सी लैंग्वेज में मैं लिखता printf और उसके अंदर पैरेंथेसिस में डबल कोट्स के अंदर लिखता हेलो SCA। स्क्रीन पे एज इट इज प्रिंट हो जाता हेलो SCA। इसी काम को अगर C++ लैंग्वेज में हम करना चाहते हैं तो हम लिखेंगे सी आउट इंसर्शन ऑपरेटर और उसके बाद डबल कोट्स में हेलो SCA। कई लोगों को गलतफहमी होती है कि ये जो इंसर्शन ऑपरेटर है ये ब्रैकेट की तरह काम कर रहा है, तो फिर ये लेफ्ट में लगा है तो राइट में भी लगा होना चाहिए, पर ये ब्रैकेट है ही नहीं, ये एक ऑपरेटर है जो इंसर्ट कर रहा है आउटपुट स्ट्रीम में हेलो SCA नाम की स्ट्रिंग को। तो ये printf और सी आउट दोनों ही सेम काम करने वाले हैं फिलहाल। लेकिन अगर आपको कुछ ऐसा मैसेज प्रिंट कराना है, सपोज करिए कि तीन वेरिएबल्स हैं A, B और C, और तीनों वेरिएबल्स मान लेते हैं इंट टाइप के हैं, और इसीलिए उनकी वैल्यूज प्रिंट कराने के लिए हम फॉर्मेट स्पेसिफायर यूज करेंगे %d। मान लेते हैं A के अंदर वैल्यू है 10, B के अंदर वैल्यू है 20 और C के अंदर A और B का सम रखा है, दैट इज 30। तो printf की मदद से मैं मैसेज प्रिंट कराता हूँ सम ऑफ 10 एंड 20 इज 30। आप जानते हैं कि इसको किस तरीके से लिखना है। आपने जहां जहां %d लगाया हुआ है वहां ABC वेरिएबल की वैल्यूज प्रिंट हो जाएंगी। printf में %d का यूज़ करना पड़ता था या फॉर्मेट स्पेसिफायर का यूज़ करना पड़ता था वेरिएबल की वैल्यू को प्रिंट कराने के लिए, लेकिन सी आउट में फॉर्मेट स्पेसिफायर का यूज़ नहीं किया जाता। और इस वजह से भी आप सोच सकते हैं कि सी लैंग्वेज के प्रोग्रामर को हमेशा ध्यान रखना होता था कि कब उसे %d लिखना है, कब उसे %f लिखना है, लेकिन यहाँ पर सी आउट की मदद से जब आप मैसेज प्रिंट कराएंगे तो आपको फॉर्मेट स्पेसिफायर की चिंता ही नहीं करनी है। सी आउट की मदद से ये काम कैसे करेंगे? जो आपको स्क्रीन पर एज इट इज प्रिंट कराना है वो डबल कोट्स में लिखिए। देखिए
सबसे पहले सम ऑफ आपको एज इट इज प्रिंट कराना है, तो आपने डबल कोट्स में लिख लिया सम ऑफ। इंसर्शन ऑपरेटर की मदद से इतना पोर्शन आउटपुट स्ट्रीम में इंसर्ट करा दिया। इसके बाद आप परसेंट डी तो लिखेंगे नहीं, यहाँ पर आप सीधे वेरिएबल का नाम लिखेंगे, पर वेरिएबल का नाम ए यदि आप डबल कोट्स के अंदर लिखते हैं तो वो एज इट इज़ प्रिंट हो जाएगा। हम वेरिएबल का नाम नहीं प्रिंट कराना चाहते, हम उसकी वैल्यू प्रिंट कराना चाहते हैं, तो हम ए को बिना डबल कोट्स के लिखेंगे। लेकिन डबल कोट्स वाली चीज़ और बिना डबल कोट्स वाली चीज़ एक साथ नहीं लिखी जा सकती, यानी हम सम ऑफ स्ट्रिंग को पहले इंसर्ट कर देंगे इंसर्शन ऑपरेटर की मदद से, फिर दोबारा इंसर्शन ऑपरेटर लगाएंगे और वो ए की वैल्यू को करेगा इंसर्ट। इसी तरीके से एंड डबल कोट्स में लिखा हुआ है, इसको भी इंसर्ट कराएंगे इंसर्शन ऑपरेटर की मदद से। तो पूरा मैसेज ब्रेक हो गया है 6 डिफरेंट डेटा में, और इसीलिए 6 बार इस ऑपरेटर का उपयोग किया जा रहा है। सी आउट आपने एक बार लिखा है, लेकिन ऑपरेटर आपने 6 बार लिखा है। ये सिंटेक्स थोड़ा सा नया लगेगा, लेकिन धीरे धीरे आप इसमें कंफर्टेबल हो जाएंगे। अगर आपको किसी एक्सप्रेशन की वैल्यू प्रिंट करानी होती थी तो आप प्रिंट एफ में लिखते थे परसेंट डी और फिर कॉमा लगा के आपने एक्सप्रेशन लिखा, जैसे ए प्लस बी, तो जो ए प्लस बी का रिजल्ट आएगा वो परसेंट डी की जगह प्रिंट हो जाएगा। जैसा कि हमने समझा कि सी आउट में फॉर्मेट स्पेसिफायर की जरूरत नहीं पड़ती, तो हम यहाँ सिंपली लिखेंगे सी आउट ए प्लस बी बिना डबल कोट्स के। इसका मतलब ए और बी ऐड होंगे और जो रिजल्ट आएगा वो प्रिंट हो जाएगा। अब देखते हैं इनपुट इंस्ट्रक्शन। हमको याद होगा कि सी लैंग्वेज में इनपुट डिवाइस, स्टैंडर्ड इनपुट डिवाइस कीबोर्ड है, और उससे अगर हमें इनपुट लेना है तो हम scanf नाम के प्री डिफाइंड फंक्शन का यूज़ करते थे। scanf एक प्री डिफाइंड फंक्शन है जिसका काम कीबोर्ड से डेटा लेना, उसको स्क्रीन पे इको करना और उसको हमारे द्वारा बताए गए वेरिएबल के अंदर स्टोर करना। इसी काम को करने के लिए C++ लैंग्वेज में आप चाहें तो scanf का इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि C में जो कर सकते हैं वो C++ में भी कर सकते हैं, लेकिन इससे बेहतर तरीका हमारे पास है जिसका नाम है cin। cin cout की तरह एक प्रीडिफाइंड ऑब्जेक्ट है। तो cin cout दोनों हो गए प्रीडिफाइंड ऑब्जेक्ट। इसके साथ cin के साथ हम यूज करते हैं जो ऑपरेटर, उसको बोलते हैं एक्सट्रैक्शन ऑपरेटर। आप इंसर्शन ऑपरेटर और एक्सट्रैक्शन ऑपरेटर में फ़र्क कर सकते हैं, दोनों के डायरेक्शन में अंतर है। एक्सट्रैक्शन ऑपरेटर का ही दूसरा नाम है गेट फ्रॉम ऑपरेटर। आइए इसको भी एग्जांपल से समझते हैं। स्कैनफ की मदद से अगर आप कुछ इनपुट कराते थे, मान लीजिए एक वेरिएबल है जो कि इंट टाइप का है और उसका नाम ए है, तो इनपुट कराने के लिए हम लिखते थे स्कैनफ परसेंट डी एड्रेस ऑफ ए। यहाँ दो चीज़ें देखिए, एक तो फॉर्मेट स्पेसिफायर परसेंट डी लगाया और ए के पहले आपने एड्रेस ऑफ ऑपरेटर भी लगाया। स्कैनफ में आपको इसका खासा ध्यान रखना पड़ता था कि कहीं ये ऑपरेटर मिस ना हो जाए, लेकिन C++ में अच्छी बात ये है कि ना तो फॉर्मेट स्पेसिफायर की आपको ज़रूरत पड़ेगी ना ही एड्रेस ऑफ ऑपरेटर आपको लगाना पड़ेगा। आप सिंपली लिखेंगे सी इन एक्सट्रैक्शन ऑपरेटर ए। इसी तरीके से अगर आपको एक से ज़्यादा वैल्यू इनपुट करानी होती है तो आप scanf में ही एक से ज़्यादा फॉर्मेट स्पेसिफायर लिखते हैं और हर वेरिएबल के नाम के पहले एड्रेस ऑफ ऑपरेटर लगाते हैं। यही काम सीन के द्वारा करना होता तो आप लिखते सीन एक्सट्रैक्शन ऑपरेटर ए अगेन एक्सट्रैक्शन ऑपरेटर बी। यहाँ कॉमा से आप वेरिएबल्स को सेपरेट नहीं करेंगे, यहाँ एक बार एक्सट्रैक्शन ऑपरेटर का यूज़ करके एक वेरिएबल को हैंडल करेंगे, अगला एक्सट्रैक्शन ऑपरेटर दूसरे वेरिएबल को हैंडल करेगा। तो जितनी वैल्यूज इनपुट करानी है उतनी बार एक्सट्रैक्शन ऑपरेटर आपको लगाने पड़ेंगे। इनफैक्ट अगर दोनों का टाइप अलग अलग भी होता, जैसे एक इंट होता एक फ्लोट होता, तो स्कैनफ में आपको ध्यान रखना पड़ता कि कब परसेंट डी लिखना है और कब परसेंट एफ लिखना है। सीन की मदद से जब यही काम करते तो आपको फॉर्मेट स्पेसिफायर की चिंता नहीं करनी पड़ती। आंसी वो संस्था है जिसने C++ लैंग्वेज के स्टैंडर्ड्स डॉक्यूमेंट किए। अब जो कंपाइलर बनाने वाली कंपनीज हैं वो इस डॉक्यूमेंटेशन के आधार पे सी लैंग्वेज का कंपाइलर बनाती होंगी, C++ लैंग्वेज का कंपाइलर बनाती होंगी। सी लैंग्वेज के बारे में डॉक्यूमेंटेशन में एक बात कही गई है कि किसी भी फंक्शन का डिक्लेरेशन करना चाहिए पर कंपलसरी नहीं है। यानी फंक्शंस के डिक्लेरेशन वेरिएबल के डिक्लेरेशन की तरह किए जाते हैं, ये सी लैंग्वेज में आपको आता है।
अब ये काम करना सी लैंग्वेज में हमेशा ज़रूरी नहीं होता, लेकिन ये रिकमेंडेशन भी किया गया है कि आपको डिक्लेरेशन करना ही चाहिए। तो आप अगर कोई प्री डिफाइंड फंक्शन अपने प्रोग्राम में यूज़ करते हैं, जैसे कि प्रिंट एफ सी लैंग्वेज में, तो आप ऊपर हेडर फाइल इंक्लूड करते हैं हैश इंक्लूड stdio.h, क्योंकि इस हेडर फाइल के अंदर प्रिंट एफ फंक्शन का डिक्लेरेशन मौजूद है। देखिए, प्रिंट एफ फंक्शन की कोडिंग नहीं है, फंक्शंस की कोडिंग, प्री डिफाइंड फंक्शंस की कोडिंग लाइब्रेरी फाइल में होती है, डिक्लेरेशन हेडर फाइल में होता है। तो कभी ये मत सोचिएगा कि हेडर फाइल के अंदर फंक्शंस का कोड है या डेफिनेशन है। जी नहीं, हेडर फाइल के अंदर प्री डिफाइंड फंक्शन का केवल डिक्लेरेशन होता है। तो जो भी प्री डिफाइंड फंक्शन आप यूज़ करेंगे सी लैंग्वेज में, अगर आप उसको यूज़ करना चाहते हैं, तो उसका डिक्लेरेशन किया नहीं किया, हो सकता है वो दोनों सिचुएशन में चल जाए, क्योंकि आंसी का यही रूल है। लेकिन सी प्लस प्लस थोड़ा स्ट्रिक्ट है इस मामले में, और सी प्लस प्लस के बारे में आंसी ने ही कहा कि आपको हर फंक्शन का डिक्लेरेशन करना कंपलसरी होगा। तो इसलिए अगर आप सी प्लस प्लस में प्रिंट एफ को यूज़ करते हैं, तो आपको stdio.h हेडर फाइल को इंक्लूड करना कंपलसरी हो जाएगा। हेडर फाइल्स क्या हैं? जितने भी प्री डिफाइंड फंक्शंस हैं, इनका डिक्लेरेशन हेडर फाइल में होता है। हालांकि हेडर फाइल में और भी कई सारे आइडेंटिफायर्स डिक्लेयर्ड होते हैं, चाहे वो वेरिएबल का नाम हो, किसी ऑब्जेक्ट का नाम हो, या मैक्रो बनाया जा रहा हो। आयो स्ट्रीम डॉट एच एक हेडर फाइल है जो सी में नहीं थी, सी प्लस प्लस में इंट्रोड्यूस हुई। इस हेडर फाइल के अंदर सी आउट और सी इन ऑब्जेक्ट्स का डिक्लेरेशन है। इसके अलावा इंसर्शन और एक्सट्रैक्शन ऑपरेटर का भी डिक्लेरेशन मौजूद है। तो यदि आप अपने प्रोग्राम में सी आउट सी इन का इस्तेमाल करते हैं, तो ये ज़रूरी है सी प्लस प्लस में कि आप वो हेडर फाइल इंक्लूड करें जिसमें इसका डिक्लेरेशन है, जिसका मतलब है आयो स्ट्रीम डॉट एच। अब ये सी नहीं है, यहाँ तो आपको हर प्री डिफाइंड चीज़ों का डिक्लेरेशन करना पड़ेगा, और वो हेडर फाइल आपको इंक्लूड करनी पड़ेगी जिसमें उसका डिक्लेरेशन मौजूद है। हेडर फाइल कंटेन्स डिक्लेरेशन ऑफ आइडेंटिफायर्स, मैंने बताया, जैसे कि फंक्शन का नाम या वेरिएबल का नाम या मैक्रो या ऑब्जेक्ट, ये सब आइडेंटिफायर हैं, इनका डिक्लेरेशन हेडर फाइल में हो सकता है। आइडेंटिफायर्स कैन बी फंक्शन नेम्स, वेरिएबल्स, ऑब्जेक्ट्स, मैक्रोस। एंड एल सी प्लस प्लस लैंग्वेज न्यू लाइन में कर्सर को पहुंचाने के लिए एक और तरीका देता है, दैट इज कॉल्ड एंड एल। एंड एल स्मॉल लेटर्स में लिखा जाएगा और इसे मैन्यूपुलेटर कहा जाता है। ये कोई कीवर्ड नहीं है, इसका भी डिक्लेरेशन आयो स्ट्रीम डॉट एच में होता है। तो आपने जब इस हेडर फाइल को इंक्लूड कर लिया, तो आप एंड एल का इस्तेमाल कर सकते हैं। एंड एल का वही इस्तेमाल है जो बैक स्लैश एन का इस्तेमाल होता है। आप सी प्लस प्लस लैंग्वेज में बैक स्लैश एन का इस्तेमाल भी कर सकते हैं, जैसे अभी तक करते हुए आ रहे हैं। एंड एल का अगर इस्तेमाल करेंगे, तो एंड एल को डबल कोट्स में नहीं लिखेंगे। अब देखते हैं एक सैम्पल प्रोग्राम, जो अभी तक हमने कॉन्सेप्ट सीखे उसके आधार पे एक प्रोग्राम हम बना रहे हैं, जिसमें हम स्क्वायर कैलकुलेट करेंगे एक नंबर का। प्रोग्राम का नाम हम रख लेते हैं स्क्वायर डॉट सी पी पी। प्रोग्राम में हमने सबसे पहले लिखा, एक हेडर फाइल इंक्लूड करी आयो स्ट्रीम डॉट एच, जिसका रीज़न है कि इसके अंदर सी इन सी आउट ऑब्जेक्ट्स का डिक्लेरेशन मौजूद है। फिर हम इंक्लूड कर रहे हैं कोनियो डॉट एच हेडर फाइल, जिसके अंदर गेट सी एच और क्लियर स्क्रीन जैसे फंक्शंस का डिक्लेरेशन है। अब हम प्रोग्राम स्टार्ट करते हैं। मेन फंक्शन से हमने प्रोग्राम स्टार्ट किया। फंक्शन के अंदर सबसे पहली लाइन हमने लिखी क्लियर स्क्रीन। देखिए, सी प्लस प्लस लैंग्वेज में आप एक्शन स्टेटमेंट पहले और डिक्लेरेशन स्टेटमेंट बाद में लिख सकते हैं। इसके बाद मैंने वेरिएबल का डिक्लेरेशन किया है, एक्स नाम का वेरिएबल बनाया है। सी आउट की मदद से मैं इस यूज़र को एक मैसेज दे रहा हूँ, एंटर अ नंबर। आप देखिए, एंटर अ नंबर मैंने डबल कोट्स में लिखा है, लेकिन उसके बाद फिर से इंसर्शन ऑपरेटर यूज़ करके एंडल को इंसर्ट करा है। एंडल के लगे होने से स्क्रीन पे प्रिंट होगा एंटर अ नंबर, और कर्सर चला जाएगा नेक्स्ट लाइन के स्टार्टिंग में। अब लिखा है सीन, जो वैल्यू यूजर एंटर करेगा वो एक्स के अंदर स्टोर हो जाएगी। मान लीजिए एक्स में वैल्यू यूजर ने एंटर करी है 5। अब हमने एक और वेरिएबल बनाया एस। सी प्लस प्लस लैंग्वेज में आप वेरिएबल कहीं पर भी बना सकते हैं। तो आपने एस नाम का वेरिएबल बनाया, और जो एक्स में वैल्यू थी उसका स्क्वायर करके एस में असाइन कर दी। अब हमने मैसेज प्रिंट कराया, स्क्रीन पे प्रिंट होगा स्क्वायर ऑफ 5 इज 25, अगर एक्स की वैल्यू 5 है तो। गेट सी एच और प्रोग्राम एंड। अगर मैं आपसे पूछूं कि इसमें कितने डिक्लेरेशन स्टेटमेंट है और कितने एक्शन स्टेटमेंट हैं, तो देखिए, ये सारे एक्शन स्टेटमेंट्स हैं, ये एग्जीक्यूट होते हैं। जो डिक्लेरेशन स्टेटमेंट हैं वो कंपाइलर रिजॉल्व कर देता है और प्रोग्राम से हटा देता है।
ये है डिक्लेरेशन स्टेटमेंट जो कि आप एक्शन स्टेटमेंट के बाद में लिख पा रहे हैं। यहाँ पे डायनेमिक इनिशियलाइजेशन हो रहा है यानी वेरिएबल बना भी रहे हैं और उसी समय कैलकुलेशन करके एक वैल्यू असाइन करवा रहे हैं और कैलकुलेशन तो रन टाइम पे होगा इसीलिए इसको बोलते हैं रन टाइम पे इनिशियलाइज करना या डायनेमिक इनिशियलाइजेशन। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और इस तरह के और भी बहुत सारे वीडियोज़ आप देख सकते हैं। मेरा नाम सौरभ शुक्ला है। थैंक यू।